तो क्वेश्चन है, डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ गिवन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको क्यों पता है? आपको ये डिस्टेंस 2a पता है, चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड सेम है। तो p क्या होता है? q इंटू 2a, तो p भी पता है। समझो क्या निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें गिवन है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ई। तो डायपोल मोमेंट ने ई वेक्टर के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री। क्या निकालना है? टॉर्क। तो लगा दो फॉर्मूला, पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह 30, पी आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, 30 डिग्री आपको पता है, आंसर। तो ये पॉइंट क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला लगाने आंसर। ठीक, नेक्स्ट इसमें इन फिगर्स को देखें। इन फिगर्स में सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है। फर्स्ट डायग्राम में देखो पी वेक्टर ऊपर की तरफ है माइनस से प्लस। पी वेक्टर और ई वेक्टर में इस डायग्राम में एंगल कितना है? 90। तो बोलो टॉर्क क्या बनेगा? पी ई साइन 90, यानी कि मैक्सिमम सबसे रोटेशन इसमें होने वाली है। केस नंबर टू, पी वेक्टर कहाँ है? माइनस से प्लस, ये रहा पी वेक्टर। ई वेक्टर कहाँ है? राइट। पी और ई में एंगल कितना है? 30। तो टॉर्क क्या होगा दूसरे केस में? पी ई साइन 30। फॉर्मूला लगाना आ रहा है। ऐसे इसके अंदर डायपोल मोमेंट कहां पर है? माइनस से प्लस, राइट। ई वेक्टर कहां है? राइट। पी और ई में एंगल कितना है? जीरो। तो क्या बनेगा? पी साइन जीरो, यानी कि जीरो। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक चीज नोट कर लें, जब मैंने इक्विलिब्रियम अभी करवाए थे इक्विलिब्रियम, याद रखना एक चीज कि जब भी कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? मिनिमम। स्टेबिलिटी में एनर्जी मिनिमम। तो लिख लो इस डायग्राम पे, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, और जब अनस्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। केमिस्ट्री के अंदर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे गिरता है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करता है ताकि स्टेबल हो जाए। स्टेबल एनर्जी मिनिमम, ठीक है। तो अगर एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाए तो भी हो जाएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट है इसमें ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत आता है सीबीएसई के पेपर में, बहुत मतलब सीबीएसई के पेपर में दो तीन बार मैंने इसको आता देखा है इस क्वेश्चन को। Find the amount of work done in rotating. देखो आपको अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। कहां से रोटेट करना है? डायपोल मोमेंट पी गिवन है, आपको पी की वैल्यू गिवन है, कहां से? फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पी और ई में एंगल क्या था? जीरो। टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पी और ई में एंगल क्या? 180, और ई की वैल्यू गिवन है। तो मैंने बता दिया थीटा वन जीरो से 180, पी आपको पता है, ई आपको पता है। PE cos theta 1 और theta 2 में theta 1 theta 2 पुट करके आंसर, cos 180 मैथ्स में माइनस 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा आंसर। तो ये एंगल समझ में आ रहे हैं कैसे अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रो कूलम। तो क्यों गिवन है? सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2a गिवन है। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ ई गिवन है। आपको वर्क डन निकालना है, विच एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू इन टर्निंग द डायपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री। सेम क्वेश्चन अभी किया हमने, पी क्या होता है? क्यू इंटू टू ए निकलाएगा। वर्क डन क्या है? पी कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, थीटा वन वो कह रहे हैं 0 से 180 घुमाना है, तो थीटा वन 0, थीटा टू 180, सेम आंसर। बस पिछले क्वेश्चन में स्टेबल अनस्टेबल वर्ड यूज कर दिया, इस क्वेश्चन में जीरो और 180 यूज कर दिया, ये ज्यादा आसान है उल्टा। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है?